हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ गाइडलाइंस ओएमआर शीट से रिलेटेड सीबीएसई द्वारा इश्यूड की गई हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में काम आएंगी। देखिए, ये हमारे पास एक सैंपल है ओएमआर शीट का। इसी तरीके की फाइनल हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में हमें ओएमआर शीट्स मिलेंगी। इसके इस तरफ देखिए, हमारे सारे पर्टिकुलर्स ऑलरेडी फिल्ड हैं। हमारा रोल नंबर वर्ड्स में भी लिखा गया है, किस दिन आपका एग्ज़ाम है उसकी डेट क्या है, सेंटर नंबर क्या है, इसका नाम क्या है, इस सब्जेक्ट क्या है, आपका नाम, फादर्स नेम और स्कूल का नाम, ये सब हमारा ऑलरेडी फिल्ड है। हमें कुछ नहीं भरना आपकी बार। इस तरफ जो ये बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर का कोड भरना है बेटा। जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसके ऊपर एक कोड दिया गया होता है, वो आपको केयरफुली इन बॉक्सेस में भर देना है। नेक्स्ट देखिए, ओनली ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन हैज़ टू बी यूज्ड। आपको कौन कौन से पेन यूज कर सकते हैं, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ध्यान रखना है। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि पेंसिल को आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा, तो इसलिए पेंसिल आपने ध्यान रखना है, यूज नहीं करनी है। आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। इसका क्या मतलब है बेटा, जैसे आपके पास सपोज मैथ्स में 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं ना, 50 में से आपको उसने करने के लिए कितने देने, 40। तो आप ये नहीं कि 50 के 50 क्वेश्चन आपके पेपर में है तो आप 50 के 50 अटैम्प्ट कर दोगे, आपको सिर्फ 40 अटैम्प्ट करने हैं। और उसके बाद भी अगर आप अटैम्प्ट करते चले जाते हो तो जो ऊपर के 40 होंगे, पहले फर्स्ट 40, उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे वे सही हैं चाहे गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर गिविंग ए रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स ए बी सी डी आपको दिए गए होते हैं। ये हमें पता ही है कि एक रो में 4 ऑप्शंस हमारे दिए गए होते हैं सर्कल, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना होता है। इसके अलावा भी कुछ अब की बार कुछ चेंजेस हैं बेटा, वो देखते हैं ओएमआर शीट से डायरेक्ट। देखिए, ये हमारा ये बना हुआ है, सारा फॉर्मेट बना हुआ है, जहाँ पे ये सीरियल नंबर दिया गया है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं रिस्पांस ए बी सी डी। और उसके अलावा देखिए, जो नया है ये एक बॉक्स बना हुआ है, इस ऑप्शंस के बाद एक बॉक्स बनाया गया है और इसके बाद दोबारा आपके सीरियल नंबर लिखे गए हैं। इसमें आपने क्या करना है, सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन में एक तो बहुत आप श्योर होंगे जब भी आप अपने सर्कल को डार्क करेंगे, आप पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे ही आंसर को ध्यान से निकाल कर उसे सेट कर लीजिए कि ये ही ऑप्शन है इसका। तो सपोज मैंने इसका ऑप्शन रखा सी, है ना, तो आप क्या करेंगे, सी को अच्छे से डार्क कर देंगे, ये तो आपको करना ही है, बहुत अच्छे से केयरफुली इसको पूरा डार्क कर देना है, है ना। उसके बाद सारे आप ऑप्शन पहले इसके फिल कर लीजिए बेटा, है ना, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप कर दीजिए। अब जब आप फाइनल उसको एक बार रीलुक करेंगे तो आपने देखा कि हाँ ठीक है, सी मेरा आंसर करेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में सी फिल कर देंगे, ठीक है। ये काम आपने जरूर करना है, क्योंकि जो आप बॉक्स में लिखेंगे वही आंसर आपका फाइनल माना जाएगा। सपोज आप यहाँ पे सर्कल कर देते हैं डार्क, सपोज मैंने यहाँ पे बी सर्कल को डार्क कर दिया है ना, लेकिन अपना बॉक्स मैंने नहीं भरा, इस बॉक्स में मैंने अपना आंसर बी नहीं लिखा, तो बेटा ये क्वेश्चन आपका कैंसिल माना जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप खाली सर्कल को डार्क करते हैं, बॉक्स में आंसर नहीं लिखते हैं, देन इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ये ऐसा माना जाएगा जैसे आपने इस क्वेश्चन को किया ही नहीं है। इसलिए बॉक्स में आंसर लिखना बहुत ही जरूरी है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बेटा आप बॉक्स में आंसर दे दें और सर्कल को डार्क करना भूल जाएं, है ना, तो इस केस में तो बॉक्स का आंसर फाइनल माना जाएगा, लेकिन आपने दोनों काम करने हैं, बॉक्स को सर्कल को डार्क भी करना है, बॉक्स में भी लिखना है। अब मान लीजिए मेरे पास चॉइस है, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं करना, 8th क्वेश्चन मेरे को नहीं अटेम्प्ट करना मान लीजिए, तब आप उस केस में क्या करेंगे, सर्कल ये वाले कोई डार्क नहीं करेंगे, बॉक्स को भी खाली छोड़ देंगे, लेकिन इस तरफ जो ये सीरियल नंबर दोबारा लिखे गए हैं, यहाँ इस बॉक्स को हम डार्क कर देंगे,
इस 8 नंबर को मैं यहाँ पे डार्क कर दूंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने 8th क्वेश्चन नहीं किया है। सपोज मैं 25th क्वेश्चन नहीं करना चाहती, है ना बेटा, पहले ही आप सेट कर लेंगे अपने क्वेश्चन पेपर से, है ना, या बाद में सेट कर लेना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मेरे को जैसे 40 क्वेश्चन करने हैं, 40 में से आप देख लीजिए कि मैंने कितने छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे डार्क कर दिए, इसका मतलब मेरे को 42 तक क्वेश्चन करने हैं, है ना, तो 2 छोड़ दिए तो 40 रह जाएंगे ना खाली। फिर इस तरीके से आपने अपना पेपर कंप्लीट करना है, जिस सब्जेक्ट में भी जितने क्वेश्चन कहे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपने आंसर करने हैं। जो क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए आप इस लाइन में सर्कल को डार्क करेंगे, अदरवाइज आपको इधर सर्कल डार्क करना है और बॉक्स में उसका ऑप्शन लिखना है ABCD जो भी आपने डार्क किया है, बॉक्स को फिल करना वेरी 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 कंपल्सरी। देखिए बेटा, यहाँ यही गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपने पहले बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई हो जाना है, उसके बाद ही अपना रिस्पॉन्स अपने आंसर बुकलेट में मार्क करना है और बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इवन इफ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्किंग द सर्कल, दिस रिस्पॉन्स हैज टू बी रिटर्न इन द बॉक्स। आप सर्कल को डार्क कर दिए सही है, लेकिन आपने रिस्पॉन्स को बॉक्स में भी लिखना है। रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, बॉक्स में लिखा गया आंसर ही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। अगर बॉक्स आपने खाली छोड़ दिया, है ना, और रिस्पॉन्स को सर्कल में मार्क कर दिया, तब भी ऐसा माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। हर हालत में आपने बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है, है ना बेटा, यही मैंने आपको बताया था भी। इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन ए बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, सर्कल आपसे छूट गया डार्क करना लेकिन बॉक्स में आपने आंसर लिख दिया, तो आपका क्वेश्चन माना जाएगा। इफ ऑल द 3-4 सर्कल्स, यानी कि चारों सर्कल भी आपने खाली छोड़ दिए, बॉक्स में भी नहीं आंसर लिखा, लास्ट सर्कल भी खाली छूटा है आपका, तो भी आपका क्वेश्चन कैंसिल है, वो इसका मतलब आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट काम जो आपको लास्ट में करना है बेटा, जब आप अपना काम कर लेंगे या स्टार्टिंग में भी आप इसे लिख सकते हैं, ये जो नीचे है आपके OMR शीट में नीचे की तरफ है, ये क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद आपने ये जो लाइन यहाँ देखिए अंडरलाइन किया गया है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये जो इधर बॉक्स बना है अपनी हैंड राइटिंग में आपने इस लाइन को यहाँ लिख देना है। जैसे सपोज मैं आपको लिखती हूँ, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ठीक है बेटा। और यहाँ आपको पता ही है साइन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ अपने साइन कर देने हैं। तो बहुत केयरफुली आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।